Welcome to Simply Lakshmi's Life. क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और आज है जन्माष्टमी, तो मेरे तरफ से सारे फ्रेंड को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभेच्छा, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी ना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से हम लोग ना बहुत अच्छी तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते थे। मेरे घर में तो नहीं होता था, मतलब मेरी मम्मी फास्ट करती थी, लेकिन पूजा जो होती थी वो जेठू, मतलब हम लोग जेठू बोलते हैं, ताऊजी के घर में होता था। तो वहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, मेरे जितने भी कजन्स थे हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। सबसे मेन चीज़ जो होता था, हम लोग फूल कलेक्ट करने के लिए जाते थे सुबह सुबह, और मेरे पापा का खुद का बहुत बड़ा एक गार्डन था जहाँ पे बहुत सारे फूल वेजिटेबल बहुत कुछ रहता था, और मेरे पापा खुद उसका टेक केयर करते थे। वो बहुत बड़ा गार्डन था, मेरे पापा का फ्री टाइम का वही काम था गार्डनिंग का, उनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक है तो वही करते थे। और वहाँ से हम लोग फूल लेके आते थे। इनफैक्ट वहाँ पे ना हर घर में गार्डन रहता था छोटा छोटा, और सबका इंडिपेंडेंट हाउस था ना, तो गार्डन बहुत अच्छी तरह से सबका, मतलब गार्डन रहता था, फ्लावर रहता था, तो फूल कलेक्ट करना हमारा मेन काम था। और एकदम ना हाउस जैसा बना देते थे, मतलब फ्लावर का, वो बहुत अच्छा लगता था। मेरी ताईजी जो थी, हम लोग मेजुमा बोलते हैं, तो मेजुमा क्या करते थे, क्या बोलते हैं, मालपुआ बनाते थे, लड्डू बनाते थे, कितना कुछ बनता था, और स्मेल से ना हम लोगों को भूख लग जाती थी। हम लोग पूरा दिन वहाँ रहते थे, पूजा की तैयारी जो होती थी हम वहाँ पे खड़े रहते थे, देखते थे क्या हो रहा है। इसलिए मतलब जन्माष्टमी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने घर में भी इसको सेलिब्रेट करूँ, लेकिन इतना तो नहीं कर पाती हूँ, जितना हो सकता है मेरे से मैं करती हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पे जो हूँ, यहाँ पे उस टाइप का पूजा नहीं होता है कि पंडित जी घर में आके पूजा करके जाएंगे, ऐसा इतना पॉसिबल नहीं होता है। एक तो पंडित जी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से आपको बहुत दिनों से पहले आपको बोल के रखना पड़ेगा अगर आप पंडित जी से पूजा करवाना चाहते हो तो। लेकिन मैं खुद ही करती हूँ, मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ, छोटा सा सेलिब्रेशन करती हूँ अपने हिसाब से। और मैं फास्ट नहीं करती हूँ, मैं मतलब राइस नहीं खाती हूँ, आटा खाते हैं हम लोग। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मतलब सुबह पूजा कर लेती हूँ, लेकिन इस बार अतनु का भी ऑफिस है, कृति का भी स्कूल है, तो अभी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है, अकेले अकेले क्या पूजा करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम करूँ, वो सब ऑफिस से या स्कूल से आ जाए उसके बाद। तो इसीलिए मैंने आज कुछ खाया नहीं अभी तक, चाय पिया है सिर्फ, और अतनु बोल के गया है कि खा लेना, कुछ भी हो खा लेना। लेकिन मतलब क्या होता है ना, पूजा के टाइम में ना, पूजा के काम करते करते टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैंने राइस चढ़ाया मेरे बेटी के लिए, क्योंकि उसको आज राइस देना है थोड़ा सा, तो उसको मैं थोड़ा सा राइस दूंगी, तो इसलिए मैंने राइस चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूंगी, सारा बर्तन भी मैंने धो दिया है अच्छे से, मतलब किचन क्लीन कर दिया है। और इसके बाद यहाँ का गैस क्लीन करने के बाद यहाँ का काम खत्म करके मैं जाऊंगी पूजा के घर में, उससे पहले मैं नहा लूंगी, उसके बाद पूजा का थोड़ा बहुत काम है वो कर लूंगी। तो चलिए मेरे साथ, और आप लोग तो मेरे साथ हो ही आज। खड़ी हूँ ऊपर, और यहाँ पे
यहाँ पे रहता है मेरा ये जो लॉफ है ना, यहाँ पे मेरे बहुत सारे सामान रहते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना ठूस देती हूँ, मतलब जितना सारा एक्स्ट्रा मेरा सामान रहता है उसको मैं ठूस ठूस के यहाँ पे रखा है मैंने। मेरी बेटी का बहुत सारा एक्स्ट्रा बुक्स, अतनु का एक्स्ट्रा चीज़ें, जो चीज़ हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, कुछ काम पे नहीं आता लेकिन इन फ्यूचर के लिए रखा रहता है, तो वो सब चीज़ मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इस साइड में पूजा का सामान भी रहता है, तो वही मुझे आज निकालना है, तो वही मैं निकालूंगी। तो चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। ये है मेरा आज का किचन और मैं भी बना रही हूँ भगवान जी का भोग। तो एक्चुअली मुझे ना मेरी बेटी आने से पहले बना लेना है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है और देखती हूँ कितना टाइम लगता है और क्या क्या मैं बनाती हूँ, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए और अभी जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने फ्राई कर लिया है सूजी को। सूजी को फ्राई करने के बाद मैं चाशनी बनाऊंगी।
अभी भगवान जी का प्रसाद बन गया है और मैं बना रही हूँ पूरी। ये प्रसाद में नहीं जाएगा, ये मैं अलग से बना रही हूँ हमारे लिए, क्योंकि मैं राइस नहीं खाती हूँ तो पूरी बना रही हूँ, क्योंकि पूरी मेरे घर में सबको पसंद है। तो आज है मंडे। जी हाँ, फ्राइडे का ब्लॉग मैं मंडे को एंड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि मैंने थर्सडे और फ्राइडे को मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया था, तो सैटरडे को मैं अपना ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। फ्राइडे को मेरी बेटी स्कूल से मतलब लौटने से पहले जितना हो सका मैंने शूट किया, उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो स्कूल बस से उतरने के बाद से उसका फीवर स्टार्ट हो गया और उसके बाद से मैंने कैमरा पकड़ ही नहीं पाई। थोड़ा बहुत पूजा किया वो स्कूल से आने के बाद, बस मैंने पूजा किया और मैंने कुछ नहीं किया था। और थोड़ा मतलब मेरा बहुत मन था कि जन्माष्टमी ये जो ब्लॉग है मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो नहीं कर पाए। इनफैक्ट वो भी बहुत इन्जॉय करती है जन्माष्टमी के दिन, उसका भी मतलब क्या बोलूँ, बच्चे मतलब जन्माष्टमी तो बच्चे के लिए ही होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो इसीलिए ना मैं उस दिन और कुछ शूट नहीं कर पाई। अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के सामने नहीं आई हूँ, आप लोगों के साथ मेरी बातचीत नहीं हुई है, तो ये व्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इनफैक्ट मैं मेरी एक स्पेशल वीडियो भी लेके आने वाली थी, मुझे लगा था कि मैं सैटरडे संडे नॉर्मल ब्लॉग शेयर करूँगी और मंडे को मैं अपना स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं, आई होप कि कल कर सकूँ, आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद मिल के बात करके मुझे अच्छा लगा। तो वही आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।